नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं उत्तराखंड में हूँ। ठंड काफ़ी है, परंतु यहाँ आने के बाद कुछ यादें जुड़ी हुई है, जो कि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत और केदारनाथ मूवी, ये ऐसी जगह है जहाँ हम आने के बाद न चाहते हुए भी चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के जीवन को ख़त्म किया गया और रिया चक्रवर्ती सिद्धार्थ पिठानी की जो भूमिका रही, उसको देखते हुए बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। और उत्तराखंड, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा आता हूँ, और इन सड़कों पे, इन वादियों में, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इन वादियों में हमें हमेशा सुशांत सिंह राजपूत की याद आती है। हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो देखिए मेरा बॉलीवुड से लगाव नहीं था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके नहीं रहने के बाद अचानक एक ऐसा लगाव बना, और वो लगाव उनके इंसाफ की लड़ाई को लेकर के है, उनके न्याय की लड़ाई को लेकर के है, जो कि पिछले लगभग एक साल 8-9 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारी ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलता है। गुस्सा तो तब आता है जब हमें ये दिखता है कि इस लड़ाई में वैसे तो काफ़ी लोगों का साथ है, परंतु हम हमेशा ये देखते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने जो भूमिका निभाई सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और सुशांत सिंह के दिल में नज़दीक पहुंच करके बड़ा ही धोखा दिया, सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को खाया, और उसके बाद उनकी जीवन लीला भी समाप्त कर दी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि न चाहते हुए भी हम भूल नहीं सकते हैं, और बार बार हम ये कोशिश करते हैं कि इस मामले में हमारी जो लड़ाई है वो लगातार चलती रहे और इस मामले में कुछ अपडेट आए, लेकिन अपडेट तो आता नहीं है। परंतु हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेगी। आप सब लोगों का साथ चाहिए। मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने और भी बहुत सारे चीज़ तथ्य लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।